गुरुवार सुबह संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग छात्रावास और स्कूल ऑफ नर्सिंग का जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हॉस्टल में रह रहे नर्सिंग छात्र छात्राओं ने अधीक्षक को खुलकर हॉस्टल की अव्यवस्थाओं से अवगत कराया। नर्सिंग छात्र छात्राओं ने चौधरी को बताया कि पिछले कई सालों से हॉस्टल के कंप्यूटर रूम में ताले लगे हैं, कंप्यूटर्स खराब पड़े हैं, कंप्यूटर रूम में पेड़ों की जड़ें फैली हुई हैं। इसी तरह हॉस्टल की लाइब्रेरी भी पिछले काफी समय से बंद पड़ी है, लाइब्रेरी की किताबें खराब हो गई हैं। नर्सिंग छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल के शौचालय और स्नानागार भी काफी गंदे हैं, जिससे छात्राएं अपने कपड़े खुले में धोने पर मजबूर हैं। अधीक्षक ने मौके पर पीडब्ल्यूडी की एएन उत्तरा शर्मा को निर्देश दिए कि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाले सारे काम, जैसे कि छात्राओं के रूम में व्हाइट वॉश, छतों की मरम्मत और शौचालयों में नल पानी की व्यवस्था और मेस में खाना खाने की व्यवस्था सहित पंखों की व्यवस्था तुरंत की जाए। दौरे में अधीक्षक अशोक चौधरी के साथ पीडब्ल्यूडी की एएन उत्तरा शर्मा, मैट्रन शिरिन वार्डन और अधीक्षक केपीए अजय कुमार शामिल थे। आज मैंने हमारे पीडब्ल्यूडी स्टाफ, हमारे अकाउंट स्टाफ, हमारे मैट्रन, हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स के साथ नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग हॉस्टल का जायज़ा लिया। वास्तव में वहाँ नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग हॉस्टल की हालत दयनीय स्थिति में है। अगर इस जगह का उद्धार करना है तो इस बिल्डिंग को गिरा करके नए सिरे से ही बनाना उचित होगा। चाहे हम कितना भी पैसा रिपेयर पे लगा दें, लेकिन पुरानी बिल्डिंग पूर्ण रूप से जर्जर अवस्था में है और इसमें अगर कुछ बजट रिपेयर के लिए मिल जाता है तो फिलहाल रिपेयर करके नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग हॉस्टल में रहने वाले नर्सिंग स्टूडेंट्स को सुविधा दी जा सकती है। हॉस्टल के अंदर मूलभूत पानी, बिजली, टॉयलेट्स, मैस, इन सुविधाओं का भी बेहद ख़राब स्थिति है। मैस के लिए मैंने एक ठेकेदार, जो कि काफ़ी कम कीमत पर नर्सिंग स्टूडेंट्स को नाश्ता तथा भोजन मुहैया कराएगा, से बातचीत की और नर्सिंग स्टूडेंट्स के जो क्या कहेंगे लीडर्स हैं, उनको कहा है कि वो अपने एक नेगोशिएट करके और उस मैस को कम से कम आज से ही चालू करवा दें।